हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि झाड़ू में श्री लक्ष्मी जी का वास होता है और इस वजह से हमें झाड़ू की इतनी कद्र करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, साफ सुथरी रखनी चाहिए कि जैसे कि किसी देवी देवता को रखते। आज के इस दूसरे एपिसोड में झाड़ू से संबंधित वास्तु ज्योतिष की अन्य बात में आज शेयर करूंगा आपसे। आप देखेंगे कि सामान्यतया घरों में जब भोजन हो जाता है, परिवार के सदस्य भोजन कर लेते हैं, तो महिला या जो आपने डोमेस्टिक सर्वेंट रखा हुआ है वो उस झूठी जगह को झाड़ू से बुहार कर वो जो झूठन गिरी है उसे इकट्ठा करती है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये लक्ष्मी जी का सीधा सीधा अपमान है। आप किसी भी स्थिति में भोजन के उपरांत जो झूठन वाली जगह होती है उसे झाड़ू से साफ ना करें। पहले आप उसे कपड़े से या किसी अन्य चीज से, अखबार से या अन्य किसी चीज से साफ करें, जल डालें, उसको सफाई करें और उसके बाद में आप झाड़ू निकाल सकते हैं। दूसरी बात है, आज के इस युग में एक आम सी बात हो गई है कि जो नवदंपत्ति होते हैं उनके विचारों में मतभेद रहता है। कारण कोई भी हो सकता है लेकिन एक कारण झाड़ू का भी बनता है उसमें। यदि दंपत्ति अपने पलंग के नीचे झाड़ू रखकर सोते हैं तो निश्चित है कि उनके मध्य मतभेद होगा ही होगा, मन मुटाव होगा ही होगा। इसलिए कभी भी दंपत्ति के पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। हमने पिछली बार बताया था कि झाड़ू कब क्रय करे, कब फेंके, लेकिन उसमें इस चीज का उल्लेख नहीं था कि झाड़ू को हम किस दिशा में रखें। झाड़ू को हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा जो आपके मकान की है वहां रखें। झाड़ू रखने के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां झाड़ू रखने के बाद वह दिखाई नहीं दे। कुल मिलाकर घर में रखी हुई झाड़ू दिखनी नहीं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ घरों में, गांवों में आज भी ऐसा है कि जो समझदारी थोड़ी सी कम होती है तो बच्चे हैं या कोई स्नान करने के बाद में, शुद्धता के बाद में जो औरतें हैं एक दूसरे को कोई झाड़ू पकड़ानी है तो पांव से ठोकर मार कर दे देते हैं, साइड में करनी है झाड़ू। आप कभी भी लक्ष्मी को ठोकर ना मारो। झाड़ू अगर एक स्थान से दूसरे स्थान आपको रखनी है,
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आपको देनी है तो आप उसे उठाकर ही दें। झाड़ू को कभी भी घर में खड़ी नहीं रखनी चाहिए, बड़ा ही अपशकुन होता है। झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए, यह एक अपशकुन घर में होता है। अब अपशकुन आर्थिक संकट का भी हो सकता है, अनइनवाइटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मतभेद का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बुहारी जब निकाल देते हैं आप, जैसे सुबह शाम को जब बुहारी निकालते हैं, तो बुहारी निकालने, झाड़ू निकालने के बाद वो क्योंकि दरिद्रता को बाहर करके आ रही है, स्वाभाविक है कि दरिद्रता को जब बाहर किया तो निश्चित रूप से उसमें दरिद्रता का अंश रह गया। जब भी आप जितनी बार भी झाड़ू लगाए, आप झाड़ू को झड़का कर बाहर और उसे साफ करके हो सके तो धोकर ही रखना चाहिए। एक बात और बताता हूं, झाड़ू को कभी भी घर के बाहर या छत पर खुले में नहीं रखना चाहिए, यह भी एक अपशकुन होता है। अगली बात, घर में लगातार आर्थिक तंगाई चल रही है, व्यापार में लगातार आर्थिक संकट आ रहा है, तो फिर क्या करें? एक बहुत अच्छा साधारण सा एक टोटका बताता हूं मैं आपको। शुक्रवार की सायं खजूर की 3 झाड़ू लाकर ऐसे स्थान पर रख दे, नई झाड़ू लाकर ऐसे स्थान पर रख दे कि अगले दिन शनिवार को सूर्य उदय होने पर आपको वह झाड़ू आसानी से मिल जाए। क्यों? कि दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय के समय आप उन 3 झाड़ू को लेकर शिवजी के मंदिर में छोड़कर आएंगे। आप सुबह उठेंगे तब से लेकर आप जब भी उठते हैं, सूर्य उदय होने से थोड़े समय पहले, सोने समय बाद में जब भी उठते हैं, आप बिना किसी से बोले आप झाड़ू लेंगे और शिवजी के मंदिर पर चुपचाप मौन धारण करके रखाएंगे। वापसी में आकर घर पर आप अपने हाथ पांव धो लेंगे। अगर आपको विश्वास है तो थोड़े समय में आपका आर्थिक संकट दूर होगा। वर्तमान में जहां नौकरी लगती है, व्यक्ति वहां जाता है हर जगह, तो देखिए वो ट्रांसफर होता है तो भी जाता है, तो हर जगह तो इंसान का खुद का मकान होता नहीं है, मकान उसको नया लेना पड़ता है, या हम किराए के मकान से अपने मकान में जाते हैं। तो एक बात तो ये ध्यान रखे कि नया मकान नई झाड़ू होनी चाहिए, नया मकान नई झाड़ू होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पुराने मकान से आए हैं तो पुराने मकान पर अपनी झाड़ू छोड़कर ना आए। क्यों? क्योंकि अगर आप झाड़ू छोड़कर आते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपने अपनी लक्ष्मी तो पुराने मकान में छोड़ दी, तो आप उसे लेकर अवश्य अवश्य आए। अगली बात, अगर परिवार का कोई सदस्य यात्रा पर गया, दूसरे गांव गया, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, कैसे भी वो गया, उसके जाने के तुरंत बाद में आपको घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर परिवार का कोई सदस्य दूसरे गांव जाता है तो उसके जाने के उपरांत जाने के बाद में आप झाड़ू कदापि ना लगाए। अंतिम विचार वो ये है कि आप जब मकान किराए का मकान पुराना छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो जो आपके पुराने मकान मालिक है मालूम है वो आपको क्या कहेंगे कि भैया या बहन जी या माता जी आप हमारे इस मकान में झाड़ू लगाकर नहीं जाना। कहने का मतलब आपने बिस्तर बांधे आपने अपना सामान पैक किया वहां को दुनिया भर का कचरा हो गया फिर भी वो क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया झाड़ू लगाकर मत चले जाना। इसका मतलब यह हुआ कि मकान खाली करते समय जब आप अपने खुद के मकान में जा रहे हैं नए मकान में जा रहे हैं तो अपनी झाड़ू तो नहीं छोड़ेंगे वहां पर परंतु साथ ही साथ आप वहां झाड़ू लगाकर भी नहीं आएंगे क्योंकि यह अपशकुन मकान मालिक के लिए होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड भी अच्छा लगा है। आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।